अगर आपको भी लगता है कि कमर के साइड्स में चर्बी आपको बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी 5 एक्सरसाइज हैं। किसी भी एक्सरसाइज से पहले बॉडी को वार्म अप करके, बहुत सारी वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, तो उसके बाद हमने क्या करना है, रशियन ट्विस्ट दोनों पैर सीधे कर लेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। अगर बॉडी का वेट उठा सकते हैं, पैरों का वेट उठा सकते हैं तो उठा ले, नहीं उठा सकते तो 1 2 3 पूरा पीछे तक, और फिर अगर पैरों को उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद इसको रिलैक्स करेंगे, वहां ये बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, सांस को बाहर निकालकर इसके साथ रशियन ट्विस्ट के साथ हम मिक्स करेंगे ये साइड बैंडिंग। बहुत ही जबरदस्त 2 एक्सरसाइज का मिक्स पैकेज है ये, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, सेकंड राउंड फिर से। हाँ, रशियन ट्विस्ट बेड पर बैठे बैठे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कमर की साइड की चर्बी बढ़ रही है, मैम प्लीज 45 मिनट की भी वीडियो अपलोड करो, 1-1 घंटे की है, आप सर्च कीजिए। और वैसे भी इस वीडियो में हम ऊपर लिंक उसका दे देंगे जो हमारी 1-1 घंटे की है, 4-5 वीडियोस है, सारी तो नहीं लेकिन रोज का रोज हमारा न्यू वर्कआउट होता है, तो आप साथ साथ चलिए जिन्होंने कहा है, ठीक है। फिर से एक बार पहले देख लें, थोड़ी देर ऐसे जरूर होल्ड करें, उससे क्या पेट का साइज श्रिंक होता है। तो दोनों हाथों को मिला के गहरा सांस, आपको पता तो चलेगा कि आपके पैर कितना सारा दिन बोझ उठाते हैं, शरीर का बोझ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल दंडासन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से ऊपर खींचेंगे हाथों को, पेट अंदर, सांस को बाहर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के, अभी तो मुझे और कुछ बताना है, लेकिन हम कम से कम 5 राउंड करेंगे, ठीक है। 10 बार हम ये करेंगे और 10-10 सेकंड्स में हम साइड्स में होल्ड करेंगे, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज कैमरा पास को लाओ, दूसरी करके दिखा दूंगा पहले, बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज जो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम के साथ, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम के साथ साथ, स्क्रीन नीचे कर दूं जरा मैं, ध्यान से देख लीजिए सेकंड एक्सरसाइज क्या करनी है। अगर कंफर्टेबल आप कर पा रहे हैं तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसमें हम क्या करेंगे, सीधे लेटकर, अभी बात चल रही है साइड पैर की, ठीक है, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, ये नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और पूरी बॉडी को एक ताड़ासन के उसमें खींचना है, और फिर एक पैर को उठाना है। ये देख लीजिए आपका पैर अगर ऐसे मुड़ रहा है, अब कोई बात नहीं, लेकिन ये लोअर बॉडी में सारा खिंचाव आएगा, ये पैर सीधा करके फिर पहले चेक करेंगे कि कहां तक आ रहा है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 1 2। अब जैसे ये पैर ऊपर जा रहा है, मेरे साइड एब्स, फ्रंट लोअर एब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बाद वैसे ही सीधा जैसे गए थे, आने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। एक बार और करो, नहीं तो इधर खिंचाव आ गया और इधर रह गया, फिर उसमें हम क्या करें, ये देखो पैर बिल्कुल सीधा, अगर नहीं है तो किसी चुन्नी की हेल्प से पहले इसको स्ट्रेट करेंगे, सांस को बाहर निकाला 1 2 3 4 5 6 और गर्दन को ना ऐसे टर्न नहीं कर लेना, देखना उधर है सामने 5 6 7 8 9 10। आने का तरीका बिल्कुल ये, 5 सेकंड अगर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होल्ड कर सकते तो धीरे धीरे रोकते हुए। अब आओ तुम, हाँ ठीक है,
अब करके दिखाओ आप, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। बीपी लो हो गया है, ठीक हो जाएगा, आप साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, पहले पैर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। दिक्कत हो रही है, जैसे अभी इनका पैर थोड़ा सा टेढ़ा है, तो किसी भी चुन्नी की हेल्प से पहले पैर को सीधा कर लें। सीधा करने से साइड बेली फैट के साथ साथ स्टमक फैट भी जाएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस उससे पहले दूसरे पैर को अप एंड डाउन कर लें, ये बहुत आसान है। और ये सभी एक्सरसाइज से आपका मन बनेगा कम खाने का, जब आपको पता लगेगा कि पेट पे जोर पड़ रहा है, टांगों पे जोर पड़ रहा है, मैं आम करते हुए, बहुत बढ़िया, पूरे पेट का, पूरी लेग्स का व्यायाम हो जाता है दूसरी तरफ से, क्योंकि यही तो हाथ पैर है जिन्होंने आपका साथ देना है, या कहीं और ने, किसी और ने साथ देना है आपका, ये बताइए, किसी और ने साथ देना है क्या? कोई और साथ नहीं देगा, आपके हाथ पैर आपका साथ देंगे। तो सबसे पहले ड्यूटी आपकी क्या है? वेरी गुड, ये इसकी प्राइमरी स्टेप है गैस्ट्रिक और डकार के लिए, बताते हैं अभी, पहले इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, फिर इसको पैर साइड में रखिए। बहुत आसान है, गैस्ट्रिक और डकार इसलिए आ रही है कि जितनी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा दिया जा रहा है, तभी तो गैस बन रही है। नए साल में अगर आप लंच में एक दिन सिर्फ परहेज कर लें, एक दिन सिर्फ मट्ठा छाछ ताजी दही बिना फ्रिज की रखी, और उसके साथ एक स्टफ चपाती, बस आलू की, घिया की, गोभी की, मतलब ही नहीं कि डकार आ जाए, गैस बन जाए। और थोड़ा पाचन तंत्र के लिए जो आज का सेशन है उसके लिए आप कर सकते हो, गैस्ट्रिक और डकार के लिए आप करके तो देखिए ना, साथ साथ जो मैं डाइट बता रही हूं, बिना डाइट के नहीं होगी, दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। 3 kg वेट कम है, थैंक यू सो मच रुचि चौहान, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही जितना एक्स्ट्रा वजन है बिल्कुल आप कम कर सकते हैं। वेरी गुड, अब तीसरी एक्सरसाइज, अभी सांस ले लीजिए, पहले गहरा सांस लो। मैं मुझे बेली फैट कम करना है, बताते हैं अभी बेली फैट के लिए बताते हैं। हाँ रेनू राठी जी, जो आप कह रहे हैं ना, 2-3 वीडियोस देखनी पड़ती हैं, कंप्लीट कुछ नहीं होता, हर दिन बदल रहा है, तो हर दिन का मेरा अनुभव अलग अलग होता है, तो आप साथ साथ चलिए। दिन गया, पल गया, वो चीज पुरानी हो गई, अब जो अब लेटेस्ट आप देख रहे हो वो चीज, क्योंकि समय के साथ साथ आप कपड़ों की डिजाइनिंग भी तो चेंज करते हैं, नहीं तो आप एक्सरसाइज पुरानी कैसे कर सकते हैं? तो नए नए एक्सरसाइज के साथ साथ चलें हमारे साथ। अब क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री पर। वेरी गुड, देख लीजिए, और इसको साइड में डाउन करेंगे जितना आपने, ये 1, फिर दोबारा 2, इससे आपका साइड बेली फैट भी, बेली फैट भी, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। जिनके घुटने सीधे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके घुटने टेढ़े हैं तो आप किसी चुन्नी की या योगा बेल्ट की हेल्प लीजिए। तो ये 3 एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में शुरू करेंगे सुबह उठने के साथ ही, और इसके साथ अपनी लंच की कैलोरीज को कम करेंगे। अगर आप दोपहर के टाइम कर रहे हैं और भर पेट खाकर आप इन एक्सरसाइज को कर रहे हैं, बात नहीं बनेगी, वजन घटने के बजाय बढ़ भी सकता है। अगर आप हाई कैलोरी डाइट लेके, फ्राइड डाइट लेके, अपनी मनपसंद जो घर में रोटी सब्जी बनी है वही खा के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, बढ़ जाएगा वजन आपका। इन एक्सरसाइज के लिए पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। और लास्ट में रिलैक्सेशन के लिए हमारी 4th एक्सरसाइज है हील टच। हील टच के मैंने 2 वेरिएशंस बताए हुए हैं, एक तो सिंपल, अगर कमर दर्द है तो आपको ये चलेगा, ये देख लीजिए, सांस को बाहर निकालते हुए। अगर आपको बैक पेन है, थकान रहती है बॉडी में, अनइजीनेस रहती है मोटापे की वजह से या बीमारियों की वजह से, तो आप बिस्तर पर लेटे लेटे 100 times ये कर लें, फिर देखिए आप 2 weeks में चेंज देखिए। वेरी गुड, मैम हर रोज रात में क्या खाना चाहिए? कितने प्यारी तरह पूछा अर्पिता जी ने। रात के टाइम डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है अर्पिता जी,
ये डिपेंड करता है, अगर आपका वजन नॉर्मल है तब तो आप एक चपाती, कोई भी हल्की सब्जी, और रात के टाइम अगर आप प्रेफर करें तो बॉइल्ड वेजिटेबल होना चाहिए, या अगर वेजिटेबल्स नहीं है, सिंपल दाल है, तो खाली दाल पी लो। अदरवाइज कभी कभी पेट को खाली भी छोड़ना चाहिए, सिर्फ चाय, दूध, कॉफी, या फिर बादाम का दूध ले सकते हैं आप, वो भी 7 बजे। हफ्ते में 2 बार खाली जरूर छोड़ें। और दूसरी हील टच कैसे होती है? हाथ ऊपर, अपर बॉडी को उठाओ, नहीं अपर बॉडी को उठाओ, बस अब टच कीजिए साइड बाय साइड, 1, 2, 3, ये होता है दूसरा तरीका। तो वजन जो है, दिन भर आप भटूरा भी खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रात में आपने 6 बजे या 7 बजे हैवी खा लिया, उसकी सबसे बड़ी पहचान बता देती हूँ कि रात के टाइम आपको ये नहीं पता लगना चाहिए कि पेट में कुछ डला है। अगर आपको ये पता लग गया कि पेट में कुछ डाला है, तब वजन कम नहीं होगा। बहुत लाइट फूड की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि रात को बॉडी को लिटा दिया जाता है। फिर उसके बाद उल्टे लेटकर बॉडी को रिलैक्स जरूर करना है। ये चारों एक्सरसाइज हमने साइड फैट के लिए बताई है, ठीक है, जो आपके पेट के साइज को भी श्रिंक करेंगी, साइड फैट के लिए भी। फिर उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ऊपर हथेली के ऊपर हथेली, चिन को लगाएंगे पहले, दोनों एड़ी पंजों को मिलाएंगे, बॉडी को एक लंबाई में स्ट्रेच देंगे, गहरा सांस, पौजिया जी लव यू, इंदु जी लव यू टू। फिर इसको जल्दी जल्दी करेंगे। मेरा ऑपरेशन फैब में हुआ है, नहीं अभी फैब में हुआ है, अच्छा लास्ट फैब में, तो अब तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वजन बहुत बढ़ गया है, 3,500 वीडियोज अपलोड हैं, कोई भी वीडियो दिन की 2 या 3 कीजिए, 100% टिप्स को फॉलो करें। अर्पिता जी का कहना है 81, तो उसमें अर्पिता जी आपने ये जो साइन दिखाया है, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, तकलीफ की जरूरत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है, न्यू ईयर आ चुका है और अंतस योग का आपके साथ रहेगा बिल्कुल। मैम मेरा 90 kg से कम नहीं है हो रहा, डाइट बता दें। डाइट के 2 ही टिप्स रहेंगे, आप दोनों पैरों को ले आओ हिप्स के ऊपर, डाइट के 2 ही टिप्स बता रही हूँ जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। एक तो भोजन को चबा के खाएं, तो हमारा एक अंतस योग का मेन टिप है खाने को पानी की तरह और पानी को चाय की तरह, बस एक टिप बता रही हूँ, उसी से आपका वजन कम हो जाएगा। खाने को पानी की तरह और पानी को चाय की तरह है, फिर देखिए अपना वजन। और दूसरा, हफ्ते में 1 बार सॉल्ट फ्री डाइट, और तीसरा हफ्ते में 1 बार ऑयल फ्री डाइट। आप देखिए एक हफ्ते में आपका 2 kg जाएगा। लोग कहते हैं 5 दिन में 5 किलो, नहीं इम्पॉसिबल, 1.5 से 2 किलो जा सकता है मैक्सिमम। हाँ सात्विक जी आपके बीपी के लिए कल बताएंगे, अब हमारा टाइम हो चुका है, ठीक है, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, नए साल में हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लेकिन उसके लिए पहले खुद को स्वस्थ रखना होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी 7827178802, फिर आधा